हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं अभी सब्जी लाने और मछली। तो संडे का दिन है तो अभी निकले हैं। सब लोग थोड़ा सा लेट सोए थे, कल 12:30 वाले देखी थी, तो बस जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए। और इनाया को मैं दिखा देती हूँ, ये है इनाया का लुक, तो देख सकते हैं इसने पॉज देना स्टार्ट कर दिया है। चलो बाइक के पास चलो। आयान कहाँ है? तो आयान बाइक में बैठ के रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। सबको हाय बोलो। आयान हाय। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad. Hasta que me convierta en rayos y más, ay, ay. A través de la gran oscuridad y más, ay, लेट के रील्स वीडियो बना रहा है। मैंने भी बहुत सारा बनाया है, अगर आप लोगों को देखना है तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। और देखिए, प्लीज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। कहीं जाने वाले हैं उसके लिए भी रेडी हुए हैं। अभी बज रहे हैं 5, तो देखेंगे कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे बोलो। तो जाएंगे कहीं घूमने के लिए, पास में एक मॉल है तो उस मॉल में कुछ सेल लगी है, तो वो मॉल जाएंगे शायद से घूमने के लिए, तो वहाँ का भी ले देंगे आप। मुझे किचन का कुछ सामान चाहिए था, तो देखेंगे अगर हुआ तो ले लेंगे, नहीं हुआ तो बाद में लेंगे। घर के अंदर बिग बॉस देखते देखते क्रिकेट खेला जा रहा है। इनाया अपना टॉयज के साथ खेल रही है और मैं यहाँ पे इस तरफ चावल बना रही हूँ। आज रोटी नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं आलू को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। अंडा करी बनाएंगे, ये बनाएंगे पर रेडी मैं करके दे रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, टमाटर प्याज आलू को थोड़ा सा मैश करके रखा है और अंडा को मैं थोड़े से बॉईल करके फ्राई कर लिया था। मसाला भी मैंने रेडी करके रखा है, सिर्फ ये बनाएंगे। सब रेडी करके देना पड़ता है ये जब भी बनाते हैं खाना। तो थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लेंगे तो अच्छा लगता है खाने में। और बॉईल कर लिया है, बॉईल करने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। हल्दी और नमक डाल के, और कुछ भी नहीं डाला है।
जैसा कि मैंने बताया कि ये बनाएंगे, तो अभी आ गए हैं बनाने के लिए। हमेशा मैं ही बनाता हूँ, सब रेडी करके मैं देती हूँ। हमेशा कब बनाती हूँ? मतलब हर संडे को मैं बनाती हूँ। सिर्फ हर संडे को रात को बनाते हैं, दिन में मैं ही बनाती हूँ। अभी इन्होंने सरसों का तेल में थोड़ा सा जीरा डाला है, प्याज डालेंगे। अंडे की करी, अंडे की करी आज बनेगी, अंडे की करी। तो प्याज को भून लेंगे, जैसा ये मुझे भूनती है, पकाती है, तो हम पका लेंगे प्याज को। प्याज को भूनना होता है, पकाना नहीं होता है। यहाँ पे आयान आ गया है देखने के लिए मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। तो आयान को खेलना है बॉल अपने पापा के साथ, पापा भी आएंगे, थोड़ा सा बना के आ जाएंगे, ठीक है। और इनाया कहाँ है? इनाया बैठ के टीवी देख रही है, खेल रही है, जाओ खेलो। अभी क्या डाला आपने? अभी थोड़ा प्याज को पकने देंगे, लाल होने देंगे प्याज को, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। के बाद डालेंगे हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट। शुद्ध हिंदी में बात करें, शुद्ध हिंदी, ये हिंदी चैनल है, ये हिंदी चैनल है, वैसे ही हमारे ये हिंदी ब्लॉग चैनल है। हिंदी में बात, इंग्लिश में बात करना वर्जित है। तो अब हम डाल रहे हैं गार्लिक जिंजर का पेस्ट, थोड़ा सा ये हमने डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, भूनेंगे। मैं थोड़ा खट्टा बनाऊंगा, क्योंकि मैंने डाल दिया वहाँ पे आमचूर पाउडर। वाह, मसाला भी नहीं मेरे को पहले से ही। एकदम मास्टर शेफ हमारा घर का, साथ में बिग बॉस देख रहे हैं। हाँ, बिग बॉस वो भी देखना जरूरी है। इस साल बिग बॉस घटिया है, लेकिन फिर भी टाइम पास के लिए ठीक है। मेरा मेकअप थोड़ा सा फैल गया है, कभी मैं मोड़ हो लूंगी। ढल गया है, ढल गया है, फैल गया है। क्या बोलते हैं? बोला तुम्हारा मेकअप ढल गया है। ढल गया कौन बोलता है? हम बोलते हैं, हम। अभी इन्होंने टमाटर डाला है, प्याज, लाल टमाटर। हाँ, प्याज हमने डाला था कितना, एक, और अदरक लहसुन का टमाटर डाला है 3, क्योंकि हमारे यहाँ पे टमाटर कितना है केजी? टमाटर है 16 रुपए किलो। अच्छा 16 है, 26 क्या है? आलू, आलू। और प्याज? प्याज करीब 35 रुपए किलो है शायद, तो ज्यादा नमक डाल रहा हूँ, स्वाद अनुसार। वो नमक चमक, नमक चमक, नमक चमक डाल देते हैं। कौन बोलते ऐसे, बोलिए। एक है हमारे सरदार जी जो बनाते हैं खाना मस्त मस्त, थोड़ा सा नमक डालता हूँ, सॉरी थोड़ा सा शक्कर डाल रहा हूँ मैं, जो ताकि रिश्तों में खटासपन ना आए, खटासपन ना रहे, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा हो, एकदम चुटकी भर, चुटकी, एक चुटकी, एकदम एक चुटकी, जैसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत। क्या जानोगे रमेश बाबू? मेरा रमेश नहीं है। एक शक्कर की कीमत तुम क्या जानोगे आरफान बाबू? तो अभी हम टमाटर को गलने देंगे। अरे 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 अरे, देख सकते हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, देखिए मसाला इन्होंने अभी तक नहीं डाला है। मसाला में मैंने डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, जो कि मैंने ही घर में ही पाउडर किया है थोड़ा सा रोस्ट करके, और कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून डाला है क्योंकि बच्चे है,
आप चाहे तो मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर डाला है और उन सबको मिक्स करके थोड़ा सा नींबू कितना डालोगे? नींबू हम काटेंगे आधा आधा नींबू डालेंगे, मतलब 1 टीस्पून। तो हम नींबू को धो लेंगे अपने पापों की तरह अच्छे से और फिर उसका कत्ल करेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे दिख बटन रोटी ना गंदा है। तो अब मैं इस नींबू का कत्ल करने वाला हूँ 2 पीसों में, मुझे उतना नींबू नहीं चाहिए, बाकी का कल कहीं पे यूज कर लेंगे खाने में या फिर फेस में लगाने के टाइम। तो सीटी आने वाला है अभी मेरा कुकर का, तो सीटी में हमारा चावल आज बहुत लेजी लग रहा था, इसकी वजह से आटा भी गूंदना था। रोटी नहीं बनाया है, चावल बनाया है। तो अब थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं। नींबू शिंबू नहीं होगा ना, हो ना नींबूड़ा मतलब पूरा बॉलीवुड समाया हुआ है हमारे घर में। तो नींबू डाल रहा है, नींबू भी डाल रहे हैं, फिर अमचूर भी डाल रहे हैं, टमाटर भी है, कितना खट्टा करना है खट्टा, पर बहुत टेस्टी बनाते हैं। अंडा करी बनाते हैं और क्या बनाते हो? अचारी चिकन भी अच्छा बनाते हैं और खिचड़ी भी कभी कभार अच्छा बनाते हैं, कभी कभार खराब कर देते हैं, पर ज्यादातर अच्छा बनाते हैं। पर अंडा करी सबसे बेस्ट बनाते हैं। और क्या बनाते हो? मसाला टी भी अच्छा बनाते हैं और लोगों को बनाता हूँ अच्छे तरीके से, खासकर अपनी पत्नी को। उल्लू नहीं, और क्या बनाते हो खाने में? और ड्राई फिश का सब्जी मैं ही बनाती हूँ ना, पंपकिन के साथ, कद्दू के साथ। तो बनाते हैं कभी कभार, ऐसे ही बनाते हैं पर नहीं बनाते, और कुछ बनाते हैं अच्छा बनाते हैं वो भी भूल गई, खिचड़ी बनाते हैं अच्छा भूल जाती है, बिरयानी में कभी कभार हेल्प कर देते हैं, मसाला भी अच्छा बनाते हैं। खाना बनाना तो इनको आता है पर काम छोड़ है बनाने के लिए, बहुत बड़ा वाला काम छोड़े यार। शादी से पहले इन्होंने ही मुझे, शादी के बाद इन्होंने ही मुझे सिखाया था, शादी के बाद इन्होंने ही मुझे सिखाया था कि दाल चावल कुकर में चावल कैसे बनाते हैं। एक ग्लास में 2 ग्लास पानी डालते हैं एक ग्लास चावल में, तो मुझे नहीं पता था। और शादी के 3 महीने तक हमने सिर्फ क्या क्या खाया मैं यहाँ पे रख लेती हूँ मोबाइल को, फिर बोलती हूँ 1 मिनट। हाँ बोलेंगे ये अभी, हम लोग क्या खाते बोलो? शादी के तुरंत बाद पहले इन्होंने मेरा दिमाग खाया बहुत, खाने के बाद हमने सोचा कि इससे कुछ और खाते हैं, फिर मैंने इनको दाल बनानी सिखाई, चाय बनानी सिखाई। चाय बनाने भी नहीं आते थे मुझे, क्योंकि मैं आसाम से हूँ तो वहाँ पे मैं मतलब पाउडर मिल्क में ही ज्यादा यूज करते थे, अभी पैकेट वाला मिलता है तब नहीं मिलता था, तो पाउडर वाले ही यूज करते, तो मुझे पाउडर दूध में ही बनाने के लिए पता था, ऐसे पता नहीं था। तो इन्होंने ही सिखाया, यहाँ पे पैकेट वाला दूध मिलता है बेंगलुरु में। और क्या, हाँ मुझे दाल बनाना भी नहीं आता था, तो दाल 3 महीने तक हमने सिर्फ चावल दाल और आलू का सब्जी खाया, कबाब खरीद के लाते थे, मछली भी खरीद के लाते थे, अभी कभी कभार वीकेंड पर ये फ्राई कर देते थे या फिर करी बना देते थे, पर ज्यादातर हमने पूरा मंडे टू फ्राइडे हमने सिर्फ दाल और आलू का सब्जी और चावल 3 महीने हमने उसी में गुजारा किया है। कभी कभार नॉनवेज खाने के लिए मन होता था तो बाहर से लेके आते थे, पर घर में नहीं बनाते थे। उसके बाद मैंने धीरे 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 बनाने के लिए अच्छे से सीख गई हूँ। बना लेती हैं कभी कभी अपने मन से? नहीं, मैं अच्छा बनाती हूँ, कभी कभार हाँ कुछ गड़बड़ होता है पर ज्यादातर अच्छा ही बनाती हूँ। सबको हाल में क्या डाला आपको बोलो? अभी मैंने बहुत सारा प्याज डाला है आलू के साथ में। हाँ आलू डाल दिया, जो आलू मैंने बॉईल करके फ्राई कर लिया था ना वो डाल दिया है, नेस्क्वे हुए आलू नहीं डाला है। दिखा दो मेरी रेसिपी, दिखा दो इनको। अच्छा ठीक है, मैं दिखा, कैसी लग रही है होने के बाद तो वैसे भी दिखाऊंगी ना। अभी इसमें मसाला डले नहीं है, मसाला अभी तक नहीं डाला है, टमाटर है, आलू है, आलू को बॉईल करके मैंने फ्राई कर लिया था और मैश किए हुए आलू यहाँ पर है, बाद में डालेंगे।
और साथ में बॉईल किए हैं अंडा और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। मसाला भी डालेंगे, ऑयल गरम, मस्टर्ड ऑयल गरम होने के बाद ही हाफ टी स्पून साबुत जीरा डाला था इन्होंने, उसके बाद प्याज डाला था। शायद इसके रेसिपी है, अगर है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अभी आलू ने तेल छोड़ दिया है, मैंने अभी पत्नी को नहीं छोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे देखे बनाते हुए, तो क्योंकि आलू ने तेल छोड़ दिया है तो अब डालेंगे मसाला, ठीक है। तो अब हम डाल रहे हैं मसाला। मसाला में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया था, तो थोड़ा सा पेस्ट बना लिया था, वही डाल रहे। तो मसाला डल जाएगा। अरे इसमें ये कैसे चल डलेगा, हाथ से करो ना, इसको हाथ साफ है कि नहीं है, नहीं तो एक स्पून ले लो, चम्मच ले लो। तो हम चम्मच से जो मसाला रह गया था उसको डाल दीजिए। शुद्ध देसी आदमी है ये, इतना भी नहीं छोड़े। अब हम इसको चलाएं, कद्दू से ये तो अब हमने मसाला जो डाला था, अब हम चाहेंगे कि हमारा मसाला जो है भुन जाए और वो तेल छोड़े। तो जैसे ही हमारा मसाला तेल छोड़ेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम डालेंगे उसमें अंडे और नमक, थोड़ा सा नमक डाल चुका हूं, नमक डाल दिया पहले, थोड़ा सा मैश आलू है, जो मैश आलू होता है वो ऐसे करी में डालने से वो करी थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवी ग्रेवी आता है, उसमें थिकनेस आ जाए, यही तो बोल रहे थे। आप चाहे अगर आप केरला से हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, नहीं कोकोनट मिल्क डालिए, वो ज्यादा अच्छा है, पानी मत डालिए, पानी को स्किप करके कोकोनट को मिक्सी में पेस्ट करके उसको छान के उसका दूध डालिए। मैं चिकन करी में ऐसे ही करती हूँ, पानी ऐड नहीं करती। तो इसको थोड़ा सा देते हैं रेस्ट 5 मिनट का और मैं आता हूँ बिग बॉस देखे फटाफट। तो यहाँ पे अंडा करी बन के रेडी है, आप लोग देख सकते हैं कितना यम्मी और टेस्टी बना है, बहुत यम्मी बना है। और अभी मैं बच्चों को खाना देने वाली हूँ, लोग देख सकते है ऑयल मसाज हो रहा है और ऑयल मसाज कर रहे है मेरे पति, सबने ऑयल लगा लिया है, मैंने बच्चों को और इनको भी लगा दिया है और अब मेरी हो रही है ऑयल मसाज। इनाय दिखाओ अपना, अयान ने भी लगाया है, इनाय ने भी लगाया है, ऐसे ही खेल रहे दोनों मिलके और हम सब मूवी देख रहे हैं। क्या मूवी देख रहे हैं? जोड़ी नंबर वन, जोड़ी नंबर वन। ये खाली बॉक्स के साथ खेल रही है। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो संडे हो गया है खत्म, कल से शुरू हो रहा है मंडे और फिर से वही काम, तो बहुत पकाओ वाला हफ्ता दोबारा आएगा, फिर संडे आएगा, सैटरडे आएगा तब हम फ्री होंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। और मिलेंगे कल आपको एक नया व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड बाय बाय बोला।